नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चबलक पर। दोस्तों आज के स्टूडियो हम बात करेंगे राजस्थान सब इंस्पेक्टर यानी पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2021 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। 859 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। एनी डिग्री यानी बीए बीकॉम बीएससी अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां तक कि आप इसके अंतिम वर्ष में भी अध्ययनरत हैं तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज के स्टूडियो में इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की स्टूडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 से संबंधित हमारी प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। फ्रेंड्स आप चाहें तो इस फॉर्म को मोबाइल से या आप चाहें तो इस फॉर्म को पीसी से फिल कर सकते हैं। आप जो भी यूज करना चाहते हैं आपको सिंपली उसके ब्राउजर को ओपन करना है, देन इसके गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है SSO और इसको ब्राउज कर लेना है। जैसे ही आप इसको ब्राउज करते हैं तो कुछ इस तरह की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक जो कि है sso.rajasthan.gov.in, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यदि फॉर्म पीसी से भर रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, यदि मोबाइल से भर रहे हैं तो आप पहले इन 3 डॉट्स पर क्लिक कर अपने मोबाइल को डेस्कटॉप साइड कर लीजिए। इतना करने के बाद फ्रेंड्स कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स आपको अपना SSO ID यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आप SSO पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ऊपर की ओर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। फ्रेंड्स आप चाहे तो जनाधार, भामाशाह, फेसबुक या गूगल, इन चारों में से कोई एक तरीके से आप स्वयं को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फ्रेंड्स आपके पास एक SSO ID और उसका एक पासवर्ड जनरेट हो जाता है। पुनः आपको ऊपर दिए गए लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है और अपना SSO ID यहाँ पे, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पे फिल करते हुए लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करते ही आपकी SSO प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाती है। फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मैं शपथ लेता हूँ पर क्लिक करना है और उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट पोर्टल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट पोर्टल नहीं देखने को मिलता है तो आपको अदर एप्स पर क्लिक करना है, इसमें आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल का ये ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ पे माई एप्लीकेशंस, नोटिफिकेशंस और ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है और इसी ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट के ऑप्शन में आपको सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2021 का फॉर्म देखने को मिलता है। आपको सिंपली इसके सामने दिए गए अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे यस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे यस पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे सब इंस्पेक्टर को क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब फ्रेंड्स ध्यान रखें कि आप इस फॉर्म को टोटल 5 स्टेप में पूरा करेंगे। पहले आपका बेसिक डिटेल, उसके बाद पर्सनल डिटेल, उसके बाद क्वालिफिकेशन और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन और उसके बाद प्रेफरेंस को आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। बेसिक डिटेल्स में आप अपना नाम, उसके बाद फादर का नाम, उसके बाद मदर का नाम, उसके बाद आपका यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपकी फील होगा। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, अन्यथा नो रहने देना है। अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है और उसकी डिटेल्स को यहाँ पे देना है, अन्यथा आप इसको नॉट एप्लीकेबल रहने देंगे। उसके बाद पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। क्या शुरुआत लिखन की है, यानी आप ऐसा चाहते हैं कि भाई आपका एग्जाम कोई अन्य व्यक्ति दे तो आप यहाँ पे यस करें, अन्यथा आप इसको नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना रिलीजन, जो भी धर्म है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना मैरिटल स्टेटस, यानी आप मिंगल है तो मिंगल, सिंगल है तो सिंगल, जो भी आपका वैवाहिक स्थिति है आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी बच्चों की संख्या देनी है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1/6/2002 से पहले जितने आपके बच्चे थे आप उनका विवरण यहाँ पे देंगे और 1/6/2002 के बाद जितने आपके बच्चे हुए आप उनका विवरण यहाँ पे देंगे। और उसके बाद आप जैसे ही इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपके टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड का आ जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप करना है और उसके बाद ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना आधार आईडी यहाँ पे देना है, पासपोर्ट नंबर यहाँ पे देना है, भामाशाह आईडी यहाँ पे देना है। ध्यान रखें ये कोई भी यहाँ पे भरना ज़रूरी नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तो आप भरें, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। केवल यहाँ पे जो स्टार वाली डिटेल्स हैं वो आपको भरना अनिवार्य होगा।
उसके बाद फ्रेंड्स यदि आप अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है तो आप इसको यस करें, अन्यथा इसको आप नो करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप अपना पत्राचार पता जो भी है यहाँ पे फिल करेंगे। इसके अंतर्गत आपका एड्रेस आप यहाँ पे इन थ्री लाइन्स में टाइप करेंगे, उसके बाद अपना स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद गांव, शहर, सिटी, विलेज जो भी है, और उसके बाद एरिया, पिन कोड, अगर फ़ोन नंबर है तो दे, अन्यथा ना दे, पुलिस थाना नज़दीकी जो भी लगता है उसका नाम आप यहाँ पर टाइप करेंगे। और अंत में फ्रेंड्स आप यहां पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप अपनी पर्सनल डिटेल्स को फिल करेंगे, यानी आपकी नेशनलिटी को आप यहां पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद होम स्टेट को, उसके बाद होम डिस्ट्रिक्ट को, उसके बाद होम ब्लॉक को, उसके बाद तहसील को, उसके बाद विलेज को, और उसके बाद अगर आप किसी अन्य कंट्री से आए हैं तो यस करें और उसका विवरण दें, अन्यथा आप इसको नो रहने देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप विशेष श्रेणी में, अगर आप एक्सआरएस में हैं तो आप यहाँ पर यस करें और उसकी डिटेल दें, अन्यथा नो रहने दें। उसके बाद अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो आप यस करें, अन्यथा नो रहने दें। उसके बाद अगर आप मौजूदा सरकारी विभाग के कर्मचारी है तो आप इसको यस करें, अन्यथा नो रहने दें। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप एक एनसीसी कैडेट है तो आप यस करें और उसमें कब से कब तक आपने एनसीसी किया आप उसका डिटेल दें, अन्यथा आप इसको नो रहने दें। उसके बाद अगर आप एक भूतपूर्व कैदी है तो आप इसको यस करें और उसकी डिटेल्स दें, अन्यथा आप इसको नो रहने दें। और उसके बाद अगर आप मौजूदा राज्य सरकार के कर्मचारी हैं तो आप इसको यस करें और उसकी डिटेल्स दें, अन्यथा आप इसको नो रहने दें। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके परिवार की आय 2.5 लाख रुपये से कम है तो आप इसको यस करें, अन्यथा नो रहने दें। और अगर आप किसी अतिरिक्त श्रेणी में आते हैं तो आप उसको राइट क्लिक करें, अन्यथा आप यहां पे कुछ भी ना भरें और अंत में नीचे दिए गए नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पे राइट क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहां पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स को देना है। तो सबसे पहले आप अपने सेकेंडरी यानी टेंथ का डिटेल देंगे, तो सब्जेक्ट में आप ऑल सब्जेक्ट, उसके बाद टेंथ कहाँ से किया है यानी आरबीसी अजमेर से किया है या फिर अन्य किसी बोर्ड से किया है आप उसका नाम यहाँ पे टाइप करें। उसके बाद टेंथ में आपका रोल नंबर क्या था और उसके बाद आपके रिजल्ट का सिस्टम क्या था, यानी CGPA था तो CGPA, ग्रेड था तो ग्रेड, परसेंटेज था तो परसेंटेज, जो भी था आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपने उत्तीर्ण होने का वर्ष यानी टेंथ आपने कब पास किया उसको यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे अपना प्रतिशत या ग्रेड जो भी था आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको अपने ट्वेल्थ का डिटेल देना है, उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिटेल देना है। ध्यान रखिए जैसे ही आप ग्रेजुएशन के डिटेल्स को देंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन की जगह 4 देखने को मिलेंगे, यानी आप इस वर्ष अपेयरिंग हैं यानी इस वर्ष अध्ययनरत है तो आप रिजल्ट अवेटेड या अपेयरिंग को क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यदि पास है तो परसेंटेज को क्लिक करेंगे और अपने पास होने का वर्ष और उसके बाद अन्य डिटेल देंगे। यदि अपेयरिंग है तो आप अपेयरिंग को सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप अपेयरिंग को सेलेक्ट करेंगे आपके अगले 2 जो बॉक्स हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे, यानी आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना होगा। इतना करने के बाद फ्रेंड्स पेज को नीचे की ओर स्क्रॉल करें, अगर आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस है तो आप उस एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहाँ पे फिल करें, अन्यथा फ्रेंड्स आप इसको ब्लैंक छोड़ के नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स अगले स्टेप में आपको अपना फोटोग्राफ तथा सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रखना है कि आपका फोटोग्राफ 50 से 100 के भी, साथ ही आपका सिग्नेचर 10 से 50 के भी होना चाहिए। इतना करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना एक बॉडी मार्क देना है और उसी के साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। अंत में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपने हिसाब से अपनी प्रिफ्रेंस को सेलेक्ट करना है, जो भी आप पहले रखना चाहते हैं आप उसको पहले रखें, यानी RAC को आप पहले रखना चाहते हैं तो पहले रखें, अन्यथा बाद में रखें, जो भी आपकी इच्छा है आप उस अनुसार अपनी प्रिफ्रेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और अंत में फ्रेंड्स 4 प्रिफ्रेंस देने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एप्लीकेशन प्रीव्यू आपको यहाँ पे शो हो जाता है, अगर आपने इसको अच्छे से फिल किया है तो आप इसको अच्छे से चेक करेंगे। और अंत में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ पे फी पर क्लिक कर देना है। यदि आप इसमें अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहां पे अपडेट के ऑप्शन पर जाकर कर सकते हैं। पे फी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेट बैंकिंग एग्रीगेटर का ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली जो भी जिससे भी पेमेंट करना है आप उसको सेलेक्ट करेंगे और पेमेंट कर देंगे। ध्यान रखिए पेमेंट करते समय आप इस पेज में किसी भी प्रकार की कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, अगर आप पेज को रिफ्रेश करते हैं तो आपका पेमेंट भी हो जाएगा और आपको अपना एप्लीकेशन प्रिंटआउट भी नहीं मिलेगा। तो उस समय वो बात ध्यान रखना है कि भाई वेट करना है 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 1 मिनट, जब तक कि पेमेंट होके ऑटोमेटिकली आप इसके अंतिम प्रिंटआउट तक नहीं चले जाते। तो सिंपली आपको वहाँ पर फिर रिसिप्ट भी देखने को मिल जाएगी, साथ ही आप जैसे ही SSO पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो आपके माई एप्लीकेशंस का ऑप्शन था उसके अंतर्गत आपको इसका एप्लीकेशन का प्रिंटआउट भी देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। इस फॉर्म को भरने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टा आईडी जॉब लक ऑफिशियल या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निसंदेह आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।